टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा के ट्विस्ट से। शक्ति में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब सौम्या के पोस्टर से गांव वालों को पता चल जाता है उसके किन्नर होने की सच्चाई। ये है मोहब्बतें में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब नशे की हालत में रमन इशिता का दरवाजा पीटता है और खोलने पर करता है मिसबिहेव। साथिया में गौरा ने चंदा के मर्डर के इल्जाम में विद्या को फंसाने के लिए चल दी है नई चाल। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जहां गर्ल्स ने रखी है कॉकटेल पार्टी। वहीं नायरा छुप कर बॉयज की पार्टी की सच्चाई पता लगाने पहुँचती है, तो देर किस बात की। शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल साथिया की गौरा यानी टीवी स्टार वंदना पाठक और धर्म यानी टीवी स्टार अमर उपाध्याय, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा सीरियल में आने वाले जादू टोना वाले ट्विस्ट के बारे में। एक दूसरी फैमिली में से एक जन की आत्मा हम ला रहे हैं। Seriously, she's trying to get somebody's soul here. Now इसके आगे बताऊंगा तो प्रोड्यूसर बोलेगा ज़्यादा बता दिया। Don't say. विद्या के अंदर भूत आ गया है ना, तो उसको निकालने के लिए ये बाबा को बुलाया है कि बाबा आएंगे थोड़ा उसको मारेंगे झाड़ू वाड़ू से मुंडी से कुछ करेंगे तो निकल जाएगा भूत। भूत मुंडी से डर जाएगा तो भूत निकल जाएगा। ये क्या है यार नाटक। आजकल के जमाने में ये काला जादू और मुंडी और भूत और ये वो केमिकल डाल रहा है तो धुआं निकलेगा ही यार। ये सब धर्म अभी धंधे वाला बिजनेसमैन है, सब सीख गया ये ड्रामा। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए धर्म और गौरा ने किया रिवील कि रियल लाइफ में वो असल बाबाओं से रहते हैं कोसो दूर। नहीं भाई, रियल लाइफ में बाबा किसी टाइप के बाबा के पास नहीं जाना मेरे को। किसी टाइप के भगवान ऐसा ना करेगा यार कि बाबा के पास जाना पड़े, इतने बुरे दिन आ जाए। है ना, भगवान है फिर क्या बाबा के पास जाना। हाँ, खुद में शक्ति है, ताकत है, विश्वास है। भगवान खाली ये अपना सही रखे तो हम बाबा के पास नहीं जाएंगे। ये सर ये सही रहेगा तो ये जिस दिन गया तो बाबा बेबी सब इधर उधर आ जाएंगे। वेल वी होप कि आप गौरा और धर्म के इस तांत्रिक वाले खुलासे से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल शक्ति में रावी का पति उसे मिलने के लिए रात में उसके घर आया है और कहानी में आता है ट्विस्ट जब उसे रावी के कमरे से निकलते हुए वरुण देख लेता है, मगर लाइट बंद होने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाता और जब वो पीछा करता है तब रावी का पति वहां से भाग जाता है। बाद में सब लोग वहां आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तब हरक सिंह कहता है घर में कोई चोर तो नहीं घुसाया। तभी वरुण बताता है कि मैंने सौम्या को भी वहां देखा था। तब प्रीतो सौम्या से पूछती है तुम वहां क्या कर रही थी। सौम्या कहती है मैं तो वहाँ चिंटू को सुलाने गई थी, मगर चिंटू कहता है उसकी शक्ल वरुण जैसी थी। सीरियल शक्ति में हरक सिंह चाय पीने बैठे हैं, तभी उनके मोहल्ले वाले सौम्या का पोस्टर लेकर वहां आते हैं कि हरक सिंह की बहू एक किन्नर है जो पोस्टर किन्नरों ने लगाया है। तभी सौम्या और घर के बाकी सभी लोग वहां आ जाते हैं। सभी मोहल्ले वाले हरक सिंह से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारी बहू किन्नर है, जिसके बाद हरक सिंह हो जाते हैं स्पीचलेस। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है कि ये पोस्टर किसने छापा है और क्यों छापा है और क्या है इस पोस्टर में, बट यस ये चीज़ का अंदाज़ा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ फिर से किसी ने की है। आज का बोनस धमाका शालीन भानोट का एक्सक्लूसिव खुलासा। वेल एक तरफ जहां मोहल्ले वाले के सामने खुलने वाली होती है सौम्या की पोल, तभी सुरभि वहां आकर गांव वालों का माइंड डाइवर्ट करती है और सब लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे घर का मामला है और ऐसा कहकर चले जाते हैं। बाद में हरक सिंह सुरभि को कहता है कि किन्नर वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो अब वो फिर से सौम्या पे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई मुसीबत आ जाएगी, तो उसे बचाने के लिए सुरभि ने दिमाग लगाया कि ये पोस्टर उसी ने छपवाए थे एंड कुछ हनीमून का उसने प्लान किया था तो उस चीज़ के लिए ये सब किया उसने।
सीरियल ये है मोहब्बतें में आ गया है शॉकिंग मोड, जब रमन भल्ला घर में पीकर आए शराब और उन्होंने दरवाजा पीटकर इशिता को बुलाया। पहले तो इशिता दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन बाद में जब रमन करता है शोर तब इशिता खोलती है दरवाजा, जिसके बाद रमन इशिता के साथ करता है मिसबिहेव। रमन इशिता के साथ करता है मिसबिहेव, जिसे देखकर आ जाते हैं रमन भल्ला के पापा और वो रमन को ऐसा करते देख जड़ते हैं जोर का तमाचा, जिसके बाद वहां रोमी भी पहुंच जाता है और वो सिचुएशन को संभालता है। लेटर ऑन द शो, अनीता और अंगूरी भाभी क्यों हुई परेशान। सीरियल साथिया में आ गया है हथौड़ी वाला ट्विस्ट, जहां गौरा विद्या को चंदा की मर्डर के इल्जाम में फंसाना चाहती है और इसके लिए गौरा ने विद्या के कंगन को गाड़ दिया है चंदा के डेड बॉडी के पास हथौड़ी की मदद से, और अब गौरा उसी हथौड़ी को साफ करके छुपा रही है अपने कमरे में, जिससे उसने खोदी है मिट्टी। कुछ ऐसा हो गया जिसका मुझे डर बैठा हुआ है, चंदा का खून हो गया मुझसे और मुझे हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा है। ये शायद मेरे अंदर का गिल्ट है कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया और जो कि नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं अभी इस बारे में। और बट विद्या ऐसी है कि उससे मच्छर भी वो मार दे तो सारी रात सो नहीं पाएगी कि एक मच्छर को मैंने मार दिया, उसका खून कर दिया, तो ये तो इंसान का खून करने का उसके दिमाग में वहम बैठ गया, तो डर बैठा हुआ मन में। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल साथिया में आए जादू टोना वाले ट्विस्ट वाली न्यूज के साथ। जी हां, घर में गौरा लेकर आई है तांत्रिक को और करवा रही है झाड़ फूंक, वो भी विद्या के सिर पर से काले साए को भगाने के लिए, जिसे देख विद्या हो जाती है शॉक्ड और वो गौरा से पूछती है कि आखिर ये क्या है। मुझे शांत करने के लिए बाबा को बुलाया है, जादू टोना पता नहीं क्या जादू टोना वगैरह बोल रही है, कुछ पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। वेल, एक तरफ जहां गौरा विद्या को समझा बुझा कर बैठती है तांत्रिक के पास और तांत्रिक करता है विद्या के सर पर झाड़ फूंक, तभी धर्म वहां पहुंचता है और वो तांत्रिक को देख गौरा से करता है सवाल। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब विद्या बेहोश होकर गिर जाती है तभी धर्म को आता है गुस्सा और वो श्रवण को विद्या को कमरे में ले जाने के लिए बोलता है और फिर बाबा को घर में से भगाता है, जिसके बाद गौरा बाबा को लेकर चली जाती है। तो अभी पकड़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे, बाबा बाबा को भगा दूंगा भाई, उसका ही भूत निकाल दूंगा, दो मिनट मेरे को। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल ये रिश्ता के सेट पर, जहां सब गर्ल्स मिलकर कॉकटेल पार्टी करती हैं और ट्रूथ एंड डेयर के गेम्स खेलती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नायरा बॉयज की पार्टी के बारे में सोच रही है कि पार्टी में बॉयज क्या कर रहे होंगे। वेल, सीरियल ये रिश्ता में नायरा बॉयज की पार्टी में चिपके से जाती है, वो भी बाबा के गेटअप में। जी हां, नायरा दाढ़ी और सभी चीजें लगाकर जाती है बाबा के गेटअप में, लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, जब अचानक से बीच में गिर जाती है दाढ़ी, लेकिन फिर भी कोई नायरा का चेहरा नहीं देख पाता। सीरियल ये रिश्ता में जहां नायरा को बॉयज पार्टी में कोई भी उसका फेस पहचान नहीं पाता, लेकिन नायरा को पता चलता है कि सभी बॉयज माता के जगराते में हैं और उनका फ्रस्ट्रेशन माता के जगराते में डांस करके निकल रहा है, और ये बात से खुश होकर नायरा यहां सभी गर्ल्स के साथ मिलकर करती है डांस। वहीं दूसरी तरफ बॉयज मम्मी डैडी के साथ बैठे जगराते में आरती और पूजा करते हैं। हम अपनी बैचलर नाइट के हिसाब से पोल डांसर से मिलने आ रहे थे, जो मेरे जीजू ने हमारे लिए सेट किया, पर जैसे ही दरवाज़ा बड़ी शान से खुलता है, सामने माता का जगराता चल रहा है, हमारी दादी राजश्री आंटी, वर्षा आंटी सब वहां पे बैठे हैं, सब जगराता कर रहे हैं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल परदेश के सेट पर, जहां राघव नैना को लेकर आया है आइसक्रीम खिलाने के लिए। जी हां, देखिए कैसे राघव और नैना लुत्फ उठाने आए हैं आइसक्रीम का। सीरियल भाभी जी में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब अनीता और अंगूरी दोनों विभूति और तिवारी जी के झगड़े से परेशान हैं। वहीं अंगूरी कहती है कि इन दोनों को सुधारना पड़ेगा,
इसलिए अनीता को कहती है कोई आइडिया निकालिए। वही एक तरफ जहां अंगूरी अनीता को कहती है कोई आइडिया निकालने के लिए, जिसके बाद अनीता भाभी बनाती है प्लान विभूति और तिवारी जी के दिमाग से क्लेश के महिषासुर को निकालने के लिए, और बनाते हैं प्लान काली या दुर्गा का रूप धारण करने का। टीवी पर जल्द आने वाला शो बिन कुछ कहे के लीड एक्टर्स समीर अरोरा और शमता अंचन ने रिक्शा पर की जयपुर की सैर। ये शो जयपुर में ही शूट होता है और आज दोनों निकले हैं सैर पर। समीर ने चलाया रिक्शा और पीछे बैठी शमता, यानी बिन कुछ कहे के कबीर और मायरा की जोड़ी ने जयपुर के मार्केट में रिक्शा में बैठ कर किया जमकर सैर सपाटा। जूम सीधे जयपुर से लेकर आया है मायरा और कबीर के मस्ती भरे पलों की खास झलक। बहुत मज़ा आया मेरे लिए, जयपुर आना बहुत खुशनसीबी की बात है। होता ही है, आप काम में बिज़ी होते हो, शूटिंग में बिज़ी होते हो, आप टाइम नहीं निकाल पाते। फ़िलहाल जयपुर आए हुए भी मुझे 4-5 महीने हो गए, लेकिन मैं शूटिंग में इतना बिज़ी था कि मैं टाइम निकाल ही नहीं पाया मार्केट आने का। आज मुझे टाइम मिला और मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा खाना पीना, शॉपिंग, मस्ती। वेल, रिक्शा राइड के बाद अब आपको कबीर और मायरा दिखाएंगे जयपुर का खाना खजाना। जी हाँ, दोनों पहुंच गए हैं खाने की दुकान पर, और कभी मीठा तो कभी खट्टा, सब पकवानों का आनंद ले रहे हैं। शुरुआत किसी भी चीज़ की हो, मीठे से, मीठा खाने से हो तो ज़्यादा बेहतर रहती है शुरुआत। तो हाँ, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मार्केट हम लोग घूमने आए हैं, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा खाना पीना, और शमता स्पेशली फूडी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा शमता को अपने हाथ से कचौड़ी बना के खिलाने में। बाकी शमता को कैसी लगी कैसी नहीं लगी वो आप उनसे पूछिए। हाँ, एज ही सेड, आई एम अ फूडी, सो हमने घेवर खाया था LMB में, अब हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, कचौड़ी खाएंगे उसके बाद और खाएंगे, तो इट वाज नाइस, इट वाज स्वीट दैट ही मेड फॉर मी एंड टेस्टी था। टीवी स्टार शक्ति अरोरा आजकल जिम में बहुत पसीना बहा रहे हैं। भाई, अच्छी फिजिक पानी है और अपने आप को फिट रखना है तो जिम जाना तो जरूरी है, तो बस शक्ति भी वर्कआउट मोड में है। शक्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने वर्कआउट का ये वीडियो पोस्ट किया, डाल लीजिए इस वीडियो पर एक नज़र। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल एक था राजा के सेट पर, जहां राजा ने लगा दी है रानी के फोटो को आग ताकि उस तस्वीर को नैना देख ना पाए। दरअसल नैना पहुंच गई है उस कमरे में जहां रानी की तस्वीर रखी है, और जैसे ही नैना उस तस्वीर को देख पाती, उससे पहले राजा ने लगा दी आग रानी के उस तस्वीर में। टेली टॉपअप में हमारे साथ हैं टीवी स्टार शालीन भनोट, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा अपने अपकमिंग शो के बारे में। नए साल की बहुत कमाल शुरुआत हुई है और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस 2017, क्योंकि नया शो आ रहा है मेरा जिसमें मैं ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं किया, जिसके आसपास भी मैंने कुछ काम नहीं किया ऐसा, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। 2017 हैज लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। सो जयपुर में हम लोग शूट कर रहे थे पिछले 15 दिन से इस शो का, एंड हैड अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। वहाँ पर बहुत ठंडी थी और बहुत क्लाइमेट भी फ्लक्चुएट कर रहा था, बीच में ओले गिरने लग गए जयपुर में, यहाँ पर इतने सारे ओले गिरे कि हमारी पूरी शूटिंग रोकनी पड़ गई थी हमें। जो हमारा पूरा फाइट सीक्वेंस का एक पूरा चंक था जो हम लोग सॉल्ट लेक में कर रहे थे, वो वी हैड टू स्टॉल दैट बिकॉज इतनी बारिश हो गई सडनली और इतने ओले गिरे कि मेरी गाड़ी का जो विंडस्क्रीन था वो तक टूट गया। सो वी हैड टू स्टॉल दैट डे, एंड या बट ओवरऑल इट इज़ कमिंग अप ग्रेट, या इट इज़ कमिंग अप वेरी ब्यूटीफुल। टेली टॉप अप ने आपको किया था रिचार्ज टीवी स्टार करण पटेल के रईस फोटो शूट वाले न्यूज के साथ, और अब आपको दिखाते हैं करण की रईस वाले लुक की पिक्चर्स, जिसे खुद करण ने किए हैं पोस्ट अपने सोशल हैंडल पर और लिखा है ये मैसेज। कमिंग अप ऑन द शो, रुबीना दिलायक का बिकिनी वाला अवतार, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप।
और आइए अब आपको दिखाते हैं सीरियल शक्ति की सौम्या यानी टीवी स्टार रुबीना दिलायक का बिकिनी वाला अवतार। जी हां, देखिए रुबीना का ये बोल्ड बिकिनी अवतार, जिसे खुद रुबीना ने किया है पोस्ट अपने सोशल हैंडल पर और लिखा है ये मैसेज। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज रियलिटी शो इंडियन आइडल के होस्ट करण वाही और उनके को होस्ट टीआरपी मामा को ऑफ कैमरा मस्ती करते हुए। जी हां, देखिए कैसे करण कर रहे हैं मस्ती टीआरपी मामा के साथ। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ये है मोहब्बतें की शगुन यानी टीवी स्टार अनीता हसनंदानी की मिस्टेक वाली न्यूज के साथ। जी हां, अनीता पहुंची एक इवेंट में, वो भी दो अलग अलग इयररिंग्स पहनकर, और इस बात का खुलासा खुद किया अनीता ने। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ससुराल सिमर का की खुशी यानी टीवी स्टार ज्योत्सना की सीरियल में री एंट्री वाली न्यूज के साथ। जी हां, ज्योत्सना को जूम के कैमरा ने किया कैद ससुराल सिमर का के सेट पर और ज्योत्सना ने एक्सक्लूसिव किया खुलासा अपने कमबैक के बारे में। बीच में अचानक से आई हूँ, मतलब वो एड होता ना जो अचानक से आ जाए फिल्मों में बीच बीच में, तो मैं उसी की तरह बीच में घुस के आई हूँ। एक छोटा सा कुछ फोन किया मैंने अंजलि को, अब आगे मुझे भी अभी तक नहीं पता कि कब मैं वापस आ रही हूँ। टेली टॉप अपने आप को पहले ही किया था रिचार्ज टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी के स्टाइलिश फोटोज वाली न्यूज के साथ। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अर्जुन कहाँ चाहते हैं अपना फोटो शूट करवाना। I would definitely fly, see all, you know, just go into space and see all the planets with my naked eyes and then just come back. स्वरागिनी फेम के टीवी एक्टर नमिश तनेजा रिसेंटली हुए रॉबरी के शिकार। जी हां, अकॉर्डिंग टू आर सोर्सेज नमिश ने रिसेंटली अपनी सिस्टर के साथ एक एग्जिबिशन में स्टॉल सेटअप किया था, जहां 4 लाख के आसपास की चीजें और कैश रखा था, जिसे किसी ने चोरी कर लिया। नमिश ने मुंबई के ओशिवारा में इस रॉबरी की कम्प्लेंट लॉन्च की है। बिग बॉस 10 के विनर मनवीर गुज्जर का उनके होम टाउन नोएडा में हुआ जबरदस्त स्वागत। जी हां, बिग बॉस 10 की ट्रॉफी लेकर जब मनवीर नोएडा पहुंचे, तो उनके हजारों फैंस ने तहे दिल से किया उनका स्वागत। मनवीर के लिए उनके फैंस क्रेजी हो गए थे, जिसकी पिक्स मनवीर ने की शेयर। परदेश में है मेरा दिल की नैना एके टीवी स्टार दृष्टि धामी को रिसेंटली उनके शो के सेट पर लग गई चोट। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज परदेश में है मेरा दिल के लिए दृष्टि ने पहनी हैवी इयररिंग्स, जिसके बाद उनके राइट ईयर से ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद सबसे पहले सेट पर दृष्टि को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाया गया और डॉक्टर को भी बुलाया गया। ठीक क्या है दृष्टि? और आइए अब आपको दिखाते हैं टीवी स्टार आम्रपाली गुप्ता सिन्हा की बेटे संग मस्ती वाली सेल्फी। दरअसल आम्रपाली इन दिनों है अपने पति संग अपने होम टाउन पटना में, जहां आम्रपाली एंजॉय कर रही हैं अपना क्वालिटी टाइम अपने क्यूट बेबी कबीर के साथ। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल परदेश में है मेरा दिल के नए प्रोमो के साथ। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर। डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।